गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे अडेप्टेशन के बारे में, दैट अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से जो है अडेप्टेशन दो आर रिक्वायर्ड, कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी वाली सिचुएशन के अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। इससे पहले जो है अपन ने पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इन सब के बारे में बात कर ली। पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू काइंड, नंबर वन इज सेल्फ, नंबर सेकंड इज क्रॉस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अडेप्टेशन। नंबर वन इज यूनिसेक्सुअलिटी इन द सेंस कि फ्लावर जो है उसका यूनिसेक्सुअल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्लावर एंड प्लांट उसका यूनिसेक्सुअल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्लावर के अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, उस वाली सिचुएशन के अंदर तो जो है अपने क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्लावर के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वॉट इज यूनिसेक्सुअलिटी? इफ फ्लावर इज कैरिंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, अगर फ्लावर के अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी। एग्जाम्पल लाइक कैस्टर, कैस्टर इसका एग्जाम्पल है, मलबेरी, मलबेरी इसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा पपाया, ये तीनों जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके अंदर जो है अपन को जनरली यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। सेकेंड है सेल्फ स्टर्लिटी। सेल्फ स्टर्लिटी इन द सेंस कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर प्लांट जो है अपने पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट? ये एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर प्लांट जो है अपने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं और एक सेक्स ऑर्गन जो है फंक्शनल है और दूसरा सेक्स ऑर्गन फंक्शनल नहीं है, मतलब कि एक सेक्स ऑर्गन कैसा है, स्टराइल है, राइट? सो दैट इज नोन एज सेल्फ स्टर्लिटी। सपोज दैट फ्लावर हैज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, फ्लावर हैज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, बट इफ वन सेक्स ऑर्गन इज फंक्शनल एंड सेकेंड वन सेक्स ऑर्गन इज नॉट फंक्शनल, दैट इज नोन एज सेल्फ स्टर्लिटी। Example, vitus, potato and passiflora. Vitus, potato and passiflora, these are the example of self-sterility. Generally, potato के अंदर भी जो है self-sterility देखने को मिलती है, alright? इसके बाद में next आ रहा है dicogamy. Dicogamy in the sense the maturation of the sex organ at a different time period. Maturation of sex organs at a different time period, alright, that is known as dicogamy, alright. This dicogamy is basically found in Brassicaceae and Rosaceae, that is found in Brassicaceae and Rosaceae. Rosaceae और Brassicaceae के अंदर जो है ये देखने को मिलता है, alright. इसके बाद में next आता है heterostyle. Heterostyle in the sense कि जैसे flower के अंदर जो है male और female दोनों sex organs हैं, but जो style है उसकी length जो है बहुत बार तो जो है फिलामेंट से ज़्यादा होती है और बहुत बार जो है फिलामेंट से शॉर्ट होती है। तो जो स्टाइल की लेंथ है वो भी जो है पॉलिनेशन के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। अगर स्टाइल की लेंथ फिलामेंट के इक्वल नहीं है, दैट कैन बी द शॉर्ट, दैट कैन बी द लॉन्ग, दैट सिचुएशन इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। बेसिकली इट इज फाउंड इन प्राइमरोज़, के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑक्सैलिस जो है, ऑक्सैलिस के अंदर भी जो है ऐसा देखने को मिलता है, ऑलराइट। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोटेंसी। प्रोटेंसी का मीनिंग होता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है वो जो इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, बट मेल पार्ट जो फीमेल पार्ट है वो किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स को तो प्रायोरिटी दे रहा है और जो उसके अंदर पोलन ग्रेन सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। अगर वो किसी दूसरे प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको अगर वो प्रायोरिटी दे रहा है, उस वाले सिचुएशन के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस जो है बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। दैट फीचर इज नोन एज प्रोटेंसी। इस फीचर को जो है प्रोटेंसी बोलते हैं। प्रोटेंसी के जो एग्जांपल है लाइक एप्पल एंड पीच, एप्पल एंड पीच के अंदर जो है प्रोटेंसी वाला प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट जो है एप्पल और पीच के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी इन द सेंस कोई भी नेचुरल बैरियर है, कोई भी फिजिकल बैरियर है, उसकी वजह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाए एंड उस वाली सिचुएशन के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, दैट फीचर इज नोन एज हार्कोगैमी। हार्कोगैमी जो है कैलोमॉफिस के अंदर देखने को मिलता है, राइट? हार्कोगैमी इन द सेंस कोई भी फिजिकल बैरियर, बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल बैरियर द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। इफ द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, ऑब्वियसली देयर विल बी सेकंड पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इस वाली सिचुएशन के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ऑलराइट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन। सपोज दैट द फ्लावर इज कैरिंग बोथ द सेक्स ऑर्गन,
सपोज दैट फ्लावर इज कैरिंग बोथ द सेक्स ऑर्गन, बट एक सेक्स ऑर्गन जो है वो दूसरे से सप्रेस हो चुका है. एक तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है जिसके अंदर जो है सारे जो है जैसे स्पोरोजेनेसिस भी हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस भी हो रहा है, ऑल द प्रोसेस आर टेकिंग इनसाइड. बट एक ऐसा भी सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर ऐसी भी प्रोसेस देखने को नहीं मिल रही है जो कि कम्प्लीटली सप्रेस हो चुका है, राइट. तो उस वाली जो है कंडीशन के अंदर भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है. उस वाली सिचुएशन में कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है? क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है. सो दीज आर सम सर्टेन फीचर्स दो शुड बी फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. इफ दीज आर फाउंड इन द प्लांट देन ऑब्वियसली द क्रॉस पॉलिनेशन विल टेक प्लेस. इफ दीज फीचर्स आर नॉट फाउंड इन द प्लांट देन क्रॉस पॉलिनेशन विल नॉट टेक प्लेस. नंबर वन यूनिसेक्सुअलिटी, नंबर सेकंड इज सेल्फ स्टर्निटी, नंबर थर्ड इज डिकोगैमी, नंबर फोर्थ इज हेट्रोस्टाइली, नंबर फिफ्थ इज प्रोटेंसी, नंबर सिक्स इज हर्कोगैमी एंड नंबर सेवन इज सेपरेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन. ऑलराइट, दैट इज सेपरेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन. दैट इज ऑल ऑफ दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहीं पे जो है अपना क्रॉस पॉलिनेशन ओवर होता है, ज़ीनोगैमी ओवर होता है. इसके बाद में इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्ट, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पोलन स्टिग्मा इंटरैक्शन. उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं. All right, I hope you understood this. Thanks, have a nice day.